हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक आंसर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दो कॉलम के बीच का अंतर जब 15 फीट तक हो तब कॉलम की साइज क्या रखे, कॉलम में कितना एमएम का सरिया लगाए, राइट, मेन स्टील का डायमीटर क्या होना चाहिए, जो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मतलब दोस्तों स्टीरअप्स लगती है, ठीक है, उनका डायमीटर क्या होना चाहिए, वो कितने डिस्टेंस पर लगनी चाहिए, ठीक है, ये सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि हमें हमारे घर हम जो घर बनाते हैं तो दो कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है, राइट, वो कई बार दोस्तों बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो कितना रखना चाहिए, और दोस्तों अगर हम 15 फीट तक अगर हम डिस्टेंस रखते हैं तो हमें कॉलम की साइज़ क्या लेनी होगी, उसके अंदर स्टील कौन से डायमीटर के लिए यूज़ करने होंगे, ठीक है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। पहले तो बात करें दोस्तों 15 फीट है, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, 15 फीट तक आप जो है दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्या करनी होगी, थोड़ी सी कॉलम की साइज़ बढ़ानी होगी। साइज नहीं बढ़ाना चाहते तो आपको क्या होगा, कॉलम का स्टील बढ़ाना होगा, जो दोस्तों ये वीडियो में आपको बताने वाला हो। तो दोस्तों दो कॉलम के बीच का, ठीक है, डिस्टेंस अगर 15 फीट है, ठीक है, देखिए दो कॉलम का डिस्टेंस अगर 15 फीट है तब आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों यूज़ अगर आप करना चाहते हैं 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम, ठीक है, 15 फीट तक है और अगर आप 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उन केस से ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आपको 16 mm का डाया 4 नंबर्स आप यूज़ करने होंगे और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो 8 mm का 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग अगर आप यूज़ करेंगे, 2 मंजिला 3 मंजिला तक आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये है दोस्तों एक स्टैंडर्ड कि अगर आप कॉलम की साइज कम करेंगे तो आपको क्या होगा, स्टील की जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो जब दोस्तों 15 फीट तक का डिस्टेंस हो, 2 माले तक आप घर बनाना चाहते हो तो कॉलम और कॉलम अगर आप 9 इंच बाय 9 इंच का रखते हो, ये जो कॉलम की साइज है 9 इंच बाय 9 इंच का अगर आप रखते हो तो आपको मिनिमम दोस्तों 16 mm का डाया, मतलब 16 mm मतलब दोस्तों ये जो मेन बार्स होते हैं 4 कॉर्नर पर 4 बार्स है, ठीक है, तो ये आपको कितने यूज़ करने पड़ेंगे, 4 नंबर्स, ठीक है, 16 mm के 4, और ये रिंग जो होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिंग है, राइट, ये जो रिंग है स्टीरअप से, ये जो है दोस्तों ये करीबन आपको 8 mm डाया 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, मतलब ये जो स्पेसिंग भी रखना है आपको 6 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है, राइट, तभी दोस्तों आपका जो घर है वो मजबूत बन पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जब भी 15 फीट का डिस्टेंस हो, 10 से 15 फीट का डिस्टेंस हो, अगर आप चाहते हैं कि कॉलम की साइज कम रखे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायमीटर जो है स्टील का वो बढ़ाना पड़ेगा, जनरली 12 mm चल जाता है, बट आपको जो है कॉलम की साइज कम करनी है तो डायमीटर बढ़ेगा, स्टील इसका बढ़ेगा, ठीक है। अब दूसरे केस की बात करते हैं कि अगर 15 फीट का डिस्टेंस है 10 से 15 फीट और आप कॉलम की साइज लेते हो 9 बाय 12, ठीक है, 9 बाय 12 लोगे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, इसमें आप है ना और स्ट्रेंथनिंग भी कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे उसको और स्ट्रेंथन कर सकते हो, 2-3-4 माले तक आप ले जा सकते हो। देखिए 12 mm डाया अगर आप 4 नंबर आप यूज़ करेंगे तो इनफ हो जाएगा, ठीक है, मतलब कॉलम की साइज बढ़ती है तो क्या होगा, स्टील की क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 12 mm जो डाया है, ठीक है, ये 12 mm, ये जो 4 नंबर्स आप देख रहे हैं ये बड़े वाले जो डायमीटर है इसको हम 12 mm का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कॉलम की साइज़ बड़ी है, और डिस्ट्रीब्यूशन 8 mm का हम यूज़ कर सकते हैं, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना रखना है हमें, 6 इंच का रखना है, इनफ हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कॉलम साइज है दोस्तों बहुत ज़्यादा फेरफेर भी होती है, और इसके अंदर और अगर आप और ही दोस्तों उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बार 12 mm की लगा सकते हैं जिसके आपसे स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है पर बहुत सारे साइट पे मैंने देखा है कि जनरली लोग जो है अपने घर को और मजबूत बनाना चाहते हैं जिससे क्या होता है यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 बार वो ऐड कर देते हैं। जैसे आप ये फिगर में भी देखेंगे तो ये कॉलम 9 बाय 12 का ही है बट उसमें और एक्स्ट्रा बीच में जो है बार आपको ऐड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों सिंपल फंडा है, 10 से 15 फीट का डिस्टेंस जनरली होता है दो रूम के बीच का, तो उनके इसमें दोस्तों आपको 9 इंच बाय 9 इंच लेना है तो भी चलेगा, 2 से 2 माले तक, और 16 mm डाया का 4 नंबर्स आपको यूज़ करना है, 8 mm जो है स्टीरअप जो है सेंटर स्पेसिंग यूज़ करनी है,
और कॉलम की साइज बढ़ाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हम रेगुलरली 12 mm का यूज़ करते हैं चार नंबर्स, वो यूज़ कर सकते हैं। और 8 mm का जो है स्टिरस हम प्रोवाइड करेंगे, इंची सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम जो है घर बनाते वक्त दोस्तों ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं तो प्रिफेयर करूँगा 9x12 का कॉलम अच्छा होता है, क्योंकि रेक्टेंगल शेप होता है, उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे ज़रूर कमेंट करिए। और दोस्तों ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार स्ट्रक्चर डिज़ाइनर से कंसल्ट जरूर करें।